अगला इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का है। आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा आपको ये तो पता है कि अगर यह समांतर चतुर्भुज होगा तो इसका यह विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा, है ना जी, दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट सकता है ना जी। तो हम लोग दोनों अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ हो जाएगा एक बट्टा दो आधार ए बी और गुना ऊंचाई बी डी, यानी कि एक बट्टा दो तीन गुना में चार सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटते हैं दो बार में, यहाँ से तीन गुना छह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी निकालू, इसका भी एक बट्टा दो सी डी और गुना में बी डी हो जाएगा, यानी कि एक बट्टा दो सी डी का वैल्यू है तीन और गुना में ए डी का वैल्यू, बी डी का वैल्यू है आपके पास चार। ठीक है, चलिए सी डी का वैल्यू तीन और इसका चार सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट सकते हैं दो बार में, यह भी छह सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर में हो रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो रहा है, यानी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, तभी ना यह विकर्ण इसे दो दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट दे रहा है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, हमने साबित करके दिखा दिया। ठीक है, आज समांतर चतुर्भुज हो गया। अब हमें यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सिंपल है यार, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दो, या फिर आधार गुने ऊंचाई भी लिख सकते हो, ए बी गुना बी डी भी लिख सकते हो, यानी कि तीन गुना में चार सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा बारह सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला